क्या बात करनी, अगर सिलेक्शन नहीं ऑर्गेनाइज करते तो सिलेक्शन के नाम पर जो 20 लाख का फंड ऊपर से आया जो हम खा चुके हैं वो कहाँ दिखाते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है सर, आप अकेले अकेले खा जाते हैं। हाँ सर। किसने बोला हम अकेले खाते हैं? हाँ मैंने बोला। क्या पटेल, हम अकेले कहाँ खाते हैं यार, तुम्हारी भाभी है, तुम्हारे बच्चे, मैंने मतलब मेरे बच्चे हैं, ताऊ है और अम्मा और हम लोग। अरे आप लोग कोई मिलेगा, सिलेक्शन कंप्लीट हो जाने दीजिए, क्या लाख में हिसाब कर लेंगे, भटका समझाओ ना यार। हाँ हाँ भाई, अभी तो उनसे खाए जिनका सिलेक्शन करना है, और अभी उनसे भी तो खाना है जिनका सिलेक्शन नहीं करना है। यही तो, आने दो उनको। मुसद्दीलाल पंडित, मुसद्दीलाल, मुसद्दीलाल पंडित, मोहन मेहतर, मोहन मेहतर। जी सर। अंदर जाइए। अरे कहाँ घुसे जा रहे हैं? हवलदार जी बुलाया था अंदर मुझे। बारात में आए हैं क्या? नहीं भरा बाबा, नहीं घुसे तो ऐसे जा रहे हो जैसे बारात में बुलाया, वहां जाके बैठिए जी। प्यारे पहाड़ी, प्यारे पहाड़ी। जी सर। अंदर जाइए। ये पाने जी मेरा नंबर कब आएगा? अरे चुपचाप बैठो। गीतांजलि, गीतांजलि अंदर जाइए। गंगू गायतांडे, गंगू गायतांडे। जी जी सर। अंदर जाइए। अरे पांडे जी मेरा नंबर कब आएगा? तुम्हें बुलाया था क्या? हाँ बुलाया था, लेकिन लिस्ट में तो तुम्हारा नाम ही नहीं है। अरे ये देखिए, ये लेटर है मेरे पास। मुसद्दीलाल पंडित, मुसद्दीलाल पंडित, तुम तो गए। मैं कहाँ गया, मैं तो यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। मेरा मतलब लिस्ट में तो तुम्हारा नाम निकल गया। कब? अरे जब आप यहाँ नहीं थे तब। क्या आप लेट आए, आप पुलिस में भर्ती नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? आप पुलिस के काबिल नहीं है। अरे लेट आया हूँ तभी तो पुलिस के काबिल हूँ, पुलिस कभी किसी जगह पे टाइम पे पहुंचती है। अच्छा हाँ, तो अब जाऊं? जाओ सीधे उषा जी के पास। जी। इसका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ओरिजिनल लाओ तो। जी ये सर्टिफिकेट्स हैं मैडम, सारे के सारे ओरिजिनल। ओके गुड, ओरिजिनल है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। जी जी। हाँ तुम एलिजिबल नहीं हो। मगर क्यों? यहाँ जन्म तारीख लिखी है 1974, लगते तो हो 1954 के। नहीं नहीं मैडम, मैं 27 साल का ही हूँ। पर लगते नहीं हो। बस मेरी त्वचा से मेरी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। नहीं नहीं मेरा मतलब है 27 के नहीं लगते हो। जी थैंक यू। 40 के लगते हो। है जी। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, ओवर एज हो तुम। नहीं नहीं मैडम, ये सर्टिफिकेट है ना आपके सामने, मैं 27 साल का ही हूँ। ये गलत है। नहीं सही है। कौन डिसाइड करेगा सही है गलत है? तो आप ही करेंगे। तो मैंने कर लिया ना डिसाइड कि तुम गलत हो। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि मेरी उम्र क्या है? तुम्हारा बाप। तो 27 साल पहले उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मेरी उम्र 27 साल की है। 27 साल पहले कि तुम 27 साल के हो, मतलब तुम अभी 54 साल के हो। 27 साल पहले उन्होंने मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था। नहीं नहीं ये तो गलत है। नहीं देखिए गलत नहीं है, ये सरकारी कागज है, आप सरकारी कागज की तौहीन कर रही हैं। अरे भाड़ में गए सरकारी कागज, ले जाओ इसे। तो फिर कैसे यकीन दिलाऊं आपको? एफिडेविट लाओ। एफिडेविट किस बात का? यही कि ये सर्टिफिकेट तुम्हारा ही है और तुम ही वही हो जो 27 साल पहले पैदा हुए हो। अरे मैडम एफिडेविट की क्या वैल्यू है? अरे सरकारी चीज की वैल्यू होती है। अरे कैसा सरकारी कागज, ये तो 100-100 रुपए में मिलते हैं। सरकारी कागज की तोहिन कर रहे हो, वो भी एक सरकारी कर्मचारी के सामने। थोड़ी देर पहले तो आप भी कह रही थी ना। सरकारी कर्मचारी कौन है? जी वो तो आप हैं। तो हम राइट है। और मैं लेफ्ट है जी। दरवाजा है जी। जी पहले एफिडेविट ला तो नाम आगे बढ़ेगा, वरना नहीं। मैडम हेलो, अरे कैसी है तू ललिता? देखिए मैडम एक सेकंड। क्या है? पांडे जी बताएंगे, जाओ पांडे जी के पास। पांडे जी वो हवलदार? नहीं एजेंट। पर अभी अभी तो आप हवलदार थे ना। ड्यूटी खत्म, अब एजेंट। किस बात के? हर बात के। प्रॉब्लम बोलो। प्रॉब्लम ये है पांडे जी कि मेरी उम्र 27 बरस है और उषा जी कहती है कि मैं 40 का दिखता हूँ। देखूं तो नहीं लगते। नहीं लगता ना 27 के। क्या 40-45 से कम के नहीं लगते आप? देखिए पांडे जी बात है कि उम्र तो मेरी 27 ही बरस है, लेकिन 7 साल से बेरोजगार हूँ, तो 7 साल की बेरोजगारी ने 27 को 40 कर दिया। तो एफिडेविट लगेगा। हाँ उषा जी भी यही कह रही थी। तो लगवाओ। तो उसके बिना काम नहीं चल सकता ना? ठीक है फिर कल ला के देता हूँ। कहाँ से? वकील से। अरे वकील वाला एफिडेविट नहीं। तो फिर कौन सा एफिडेविट? उषा जी का मतलब है रिश्वत। आपको कैसे पता? पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होने आ रहा हूँ, पूरी तरह से स्टडी करके आया हूँ, करप्शन की सारी किताबें पढ़ के आया हूँ। तो 1000 रुपए दो। अभी तो नहीं है, कल ला के देता हूँ। ठीक है कल आगे बढ़ा देते हैं। ओके ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। आपको 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 आप आप आपको पंडित जी आपको नहीं लगता ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है? हाँ मुझे भी लग रहा है।
हाँ अब ठीक है, अब 27 के नहीं लगते तो 17 के लगते हो। ऐसा मत कहे मैडम। क्यों? नहीं नहीं अंडर एज हो जाऊंगा ना तो फिर अच्छा है ना। नहीं फिर 27 का दिखने के लिए फिर से एफिडेविट लाना पड़ेगा। समझदार हो जी। थैंक यू। एक बात याद रखना, पुलिस वालों को कभी मुंह से थैंक यू मत बोलना। तो कहाँ से थैंक यू बोलूं? हाथ से। और वो तो मैंने पांडे जी को बोला था। वो तो एफिडेविट का था ना। और ये थैंक यू का। अच्छा ये लीजिए। ओह थैंक यू। परसों फिजिकल टेस्ट होगा। कौन लेगा? पटेल साहब। आदो बर करो। क्या बोलो? और बुलाओ। और हाँ बुलाऊंगी। पाना थोड़ा ही जो भूलता चला जाएगा। अरे भाई सीना तो भुलाना पड़ेगा ना भाई। क्यों? तभी तो पता चलेगा कि कितनी अकड़ के चल सकते हो। पुलिस का सीना हमेशा फुला होना चाहिए, समझे? माफ कीजिएगा भाई साहब, पुलिस का सीना नहीं, पुलिस का पेट फुला होना चाहिए। है? जी। देखो मेरे पेट पर नहीं जाने का, क्या है 10 साल से पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ तभी ये बढ़ गया है। पब्लिक की सेवा का इतना जज्बा है इसमें। देखिए सर, आपका तो ये जज्बा 10 साल में पैदा हुआ, मैं इस जज्बे के साथ भर्ती हो रहा हूँ। सोचिए 10 साल के बाद मेरा जज्बा कितना होगा। बहुत तरक्की करोगे भाई। जी जी जी। ये लीजिए सर। ये क्या है? ये सर मैं पुलिस को थैंक यू कहना चाह रहा था, लेकिन मुझे मालूम है मुंह से थैंक यू नहीं कहते। क्या बात है। बस हाइट थोड़ी कम है जी। पता है। तो क्या? तो वो नहीं पता कि हाइट कैसे बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? वो नीचे से डाल के हाइट बढ़ाते हैं नीचे से। अच्छा अच्छा फिर से थैंक यू। इससे हाइट नहीं बढ़ती है। तो क्या है, तुम्हारी हाइट बढ़ाने के लिए इसकी हाइट बढ़नी चाहिए ना। इसकी हाइट मतलब 5,000। 5,000 तो बहुत ज्यादा है सर। देखिए मैं गरीब आदमी हूँ। अरे बाप रे। ठीक है भाई, चोरी की है? जी नहीं। तो करो। जी डाका डाला है? नहीं। डालो जी। पर दो मतलब कहीं से भी चोरी चकारी करके आपको पैसे ला के दूं, कानून की रक्षा करने से पहले कानून तोड़ूं। तभी कानून समझ में आएगा ना। जी तो बोलो, पहले हाइट बढ़ाते हो या? नहीं नहीं मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, बाप देगा नहीं तो क्या करूं। मैंने आपको बताया ना वो हाइट बढ़ाने के लिए चोरी डकैती करने को। वो तो मैं कर नहीं सकता। देखो भाई चोरी करो, करो चोरी करो, डाका डालो, लूट करो, कैसे भी करके पैसे जमा कर दो, वरना क्या है दो बात हो जाएगी, या तो तुम्हारी हाइट बढ़ेगी या तो नहीं बढ़ेगी। बढ़ेगी कहाँ से, और नहीं बढ़ी तो दो बात होगी, या तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा या तो नहीं होगा। होना तो भाई नामुमकिन है, मैं तो रॉन्ग कर दूंगा। अगर नहीं हुआ तो दो बात होगी, या तो तुम बेरोजगार रहोगे या तो फिर कोई और काम ढूंढोगे। काम ढूंढा तो ढूंढते रह जाओगे, और बेरोजगार रहे तो दो बात होगी, या तो भीख मांगोगे या तो चोरी करोगे। भीख मांगा तो भी ठीक, मगर चोरी की तो भाई तो बेटा तब चोरी करोगे ना तो पुलिस के डंडे पड़ेंगे, और अभी चोरी की तो पुलिस बन के डंडे मारोगे। बोलो क्या करना है, चोरी तब करनी है या अभी करते हो? अभी करूंगा। ओके कहाँ? ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कल पैसे लाके आपको दे दूंगा। स्मार्ट बॉय। अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना। हो जाएगा, बस ये हमारे एक डॉक्टर भाटिया उनसे मिल लेना। वो क्या करेंगे? मैं मुझे देखने दो यार। बीपी तो बहुत लो है। वो थोड़ी घबराहट हो रही है ना सर। घबराहट? जी हाँ थोड़ा नर्वस हूँ ना। तब तो मेडिकल में फेल। क्यों सर? जिस पुलिस वाले को डॉक्टर के सामने इतनी घबराहट हो रही है, अगर चोर डाकू को देखे तो क्या करेगा वो? नहीं सर वैसे मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ, बहुत ज्यादा बहादुर हूँ, मतलब एकदम बहुत ज्यादा बहादुर आदमी हूँ सर मैं। बीपी बढ़ रहा है। देखा सर? तब भी मेडिकल में फेल। क्यों सर? जिस पुलिस वाले का बीपी इतनी तेज हाई हो जाएगा, इतनी जल्दी हाई हो जाएगा, वो तो निर्दोष लोगों को मार देगा ना। नहीं सर मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ सर। अभी पता चल जाएगा। इसको उतारो, अभी तुम्हारा हाई टेस्ट होगा। देखो सामने देखो, दिख रहा है कोई चोर डाकू? जी नहीं। अरे आई टेस्ट में भी फेल। क्यों सर? अरे पुलिस वाले की नजर एकदम पैनी होनी चाहिए, पैनी, उसे हर आदमी चोर डाकू देखना चाहिए। ऐसा कैसे कह रहे हैं सर? ऐसा ही होता है, अभी तो वॉइस टेस्ट भी होगा बच्चों। वॉइस टेस्ट? मैं यहाँ पे कोई सिंगर बनने के लिए नहीं आया हूँ सर, मैं तो पुलिस वाला बनने के लिए आया हूँ। मेरी आवाज तो बिल्कुल फटे जाए पास बाल जैसी है सर। अभी पता चल जाएगा कि कितनी फटी हुई आवाज है। पूछो। जी क्या? तूने चोरी क्यों की? जी किससे पूछूं? मुझसे। आपसे? आपने चोरी की है? ओ अरे ऐसे ही पूछो, टेस्ट ले रहा हूं मैं, टेस्ट। आपने चोरी की है? पुलिस में भर्ती होगे ऐसे पूछोगे?
तो कैसे पूछूंगा? अरे ऐसे पूछ पता साले, तुमने चोरी क्यों की? बोल वरना मार मार के उल्टा टांगा। अरे नहीं, मुझे मारना मत सर, मैं सच बता दूंगा, मैं बता दूंगा सर सच। देखा ऐसे पूछते हैं? अच्छा आप बता रहे थे कि कैसे पूछते हैं। और क्या, तुम्हें क्या लगा कि मैं सच्ची में पूछ रहा हूँ? मैं तो सच उगलने वाला था सर। नहीं कुछ नहीं सर। कंफ्यूज मत करो सर, घुटनों के बीच में गैप है। यहाँ पे है सर। पैर दिखाओ, पैर। फ्लैट फीट, वेरी गुड। थैंक यू सर। फ्लैट फीट फेल। फ्लैट फीट फेल मतलब सर? मतलब फ्लैट फीट फेल। मगर क्यों? फ्लैट फीट जिसका होता है हम उसको आर्मी या पुलिस में भर्ती नहीं करते। पर क्यों नहीं करते सर? क्योंकि वो ठीक से दौड़ भाग नहीं सकता है। नहीं सर, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। अच्छा, आपका घर यहाँ से कितनी दूरी है? यही कोई 5 किलोमीटर होगा। ओके, तो आपको ये रास्ता तय करने में कितना समय लगेगा? मैं आधे घंटे में भाग के जाके लौट के आ सकता हूँ सर। भाग के? जी भाग के। जी ओके, आपका समय शुरू होता है अब। आपको पूरा विश्वास है कि मैं भाग के वापस आऊंगा अगर मैं टैक्सी लेके आ गया सर? मुझे पूरा विश्वास है। क्या सर? कि तुम टैक्सी लोगे। अगर मैं टैक्सी लेके आऊंगा तो आप मुझे टेस्ट में पास कैसे करेंगे सर? अरे आप घर जाएंगे, वहां से 25,000 रुपए लाएंगे तो मैं तो क्या, मेरा बाप भी तुमको पास करेगा। 25,000 रुपए? ये 25,000 रुपए किस बात के? फ्लैट फिट ठीक करने के लिए। 25,000 में ठीक हो जाएंगे? हाँ, फाइल में एकदम ठीक हो जाएगा। वैसे ऑपरेशन कराने जाओगे 2-3 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा मालूम है। 25,000 में लाऊं कहाँ से? घर से। नहीं है। चोरी करो? कर चुका हूँ। बेचने के लिए कुछ जमीन वमीन है? क्या बात कर रहे हैं? बाप को बोलो बेचे। लेकिन सर, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। अरे यार जब पुलिस में भर्ती हो जाओगे फिर कब्जा कर लेना, कौन रोकेगा तुमको? ठीक है सर। लेकिन सर ये 25,000 रुपए ला के देने के बाद तो कोई शिकायत नहीं होगी ना? मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना? तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। बस 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 एक रिटर्न टेस्ट बाकी है। रिटर्न टेस्ट? वो पास करना हो तो पांडे जी से मिलो। पांडे जी टेस्ट लेते हैं? लेते नहीं है, देते हैं। मतलब? मतलब आप घर बैठिए आपका टेस्ट दे दिया जाएगा। पर मैं घर पे बैठूंगा तो मेरा टेस्ट कौन देगा? हमारे आदमी है ना। पर आपके आदमी क्यों देंगे? हम उन्हें पैसे देंगे। मुझे पास कराने के लिए आप उनको पैसे क्यों देंगे? आप खुद को पास कराने के लिए हमें जो पैसे देंगे। कितने लेंगे? 25,000। इतने ज्यादा पैसे आप मुझसे मांग रहे हैं, आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही है? पुलिस में नौकरी करनी है तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एक बार डाल दो उसके बाद जिंदगी भर वसूल करते रहो। तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना? आपको कोई नहीं रोक सकता। पक्का? पक्का, बस एक बार शुक्ला जी इंटरव्यू में पास करते हैं बस। अरे अब इंटरव्यू भी लोगे? अरे सब बकवास है, पुलिस में कोई फॉर्मेलिटी नहीं। आप बैठिए बैठिए जी। 2 मिनट में रेडी जी? हाँ, तो बताइए पुलिस में भर्ती होकर क्या करेंगे? सर मैं सब चोर और गुंडों को पकड़ लूंगा ताकि पब्लिक चैन से रह सके। आप बाप ना, चोर ने डकैती? नो। अरे यार तो मतलब फिर पुलिस क्या करेगी जी? अरे यार जब क्रिमिनल ही को तुम खत्म कर दोगे, मतलब क्राइम खत्म कर दोगे, तो हम पुलिस वाले क्या करेंगे? मैं समझा नहीं। अरे यार जब गुड नहीं बदमाश नहीं होंगे तो पुलिस कौन रखेगा? नहीं तो मैंने सोचा ही नहीं था सर। अरे कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा सेकंड क्वेश्चन ये है, इंस्पेक्टर पंडित आप सड़क पर जा रहे हैं और कोई आदमी मारा जा रहा हो और वो चिल्ला रहा हो बचाओ 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 बचाओ, तो आप क्या करेंगे? मैं उससे कहूंगा पहले पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट लिखवाओ। करेक्ट, सड़क पर ही रिपोर्ट मत लिखने लगना, नहीं तो इतना बड़ा ऑफिस बर्बाद हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, कत्ल होने के बाद सबसे पहले क्या करोगे? मैं रिपोर्ट लिखूंगा सर। ना रिपोर्ट कभी मत लिखना, नहीं तो केस सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो फिर क्या करूं सर? टालो टालो टालो, रिपोर्ट मत लिखना। लेकिन कभी तो रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी सर, तब तब केस सॉल्व करना। जी सर। कैसे करोगे? जी मैं कातिल को पकड़ लूंगा सर। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कातिल को पकड़ते नहीं, कातिल बनाते हैं। जी सर। कैसे बनाएंगे? जी जो कम पैसे देगा उसको कातिल बना दूंगा। करेक्ट, वाह 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 वाह, बस अब तुम कुछ मत करो, परसों आकर के बोर्ड में नाम में लिस्ट देख लेना। अरे इस लिस्ट में तो मेरा नाम ही नहीं है, मैं फेल कैसे हो गया? मैंने तो 1,00,000 रुपए खिलाए हैं। मैंने भी 2,00,000 रुपए भरे। अच्छा। अरे पांडे पांडे जी लगा के बात करो वरना बंद कर दूंगा उठा के। सॉरी 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 पांडे जी, मैं फेल कैसे हो गया? हमसे नहीं, शुक्ला से जाकर पूछो। क्या मैं फेल हुआ कैसे? कई प्रॉब्लम की मुशद्दीलाल पंडित जी। यही तो, आपकी एज खराब थी, फिगर खराब थी, आपकी चाल खराब थी, लेकिन उसी को ठीक करने के तो मैंने 1,00,000 रुपए दिए थे। यहाँ पर आपकी तकदीर खराब थी, कईयों ने 5-5 लाख रुपए दिए तब जाके कुर्सी मिली उनको। क्या? यही तो। नहीं लेकिन ये तो गलत बात है ना, इतनी रिश्वत इतनी घूस। क्या भाई साहब, ये पुलिस की भर्ती है, कोई रेलवे की भर्ती नहीं है कि मतलब TADA पे ही काम चल गया। पर अब मैं क्या करूँ, मेरे पिताजी को तो बड़ी उम्मीद थी कि इतने साल की बेकारी के बाद नौकरी मिल जाएगी, अब क्या होगा? भाई देखिए पिताजी की उम्मीद तो अब भी पूरी हो सकती है। कैसे? एक वैकेंसी है लेकिन उसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे।
क्या क्या? सबसे पहले तो 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख? यही तो। पर इतने पैसे कहाँ से लाऊं? ओके, घर है। हाँ है। बेच दो। फिर भी पूरे नहीं होंगे। टीवी फ्रिज है। हाँ है। बेच दो। फिर भी पूरे नहीं होंगे। माता जी बहन भी हैं। हाँ हैं। नहीं, उनके जेवर बेच दो। अब फिर पूरे हो जाएंगे। अच्छा, और दूसरा काम? अपनी जात बदल दो। क्या? मतलब मुसद्दीलाल पंडित हो ना? हाँ हाँ, तो पंडित हटाओ, खाली लाल रखो। पिछड़ी जाति की एक वैकेंसी है, वहाँ सेट कर देंगे सर। अरे कैसी 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 बातें कर रहे हैं आप? क्या बकवास क्या कर रहे हैं आप? मैं एक नौकरी के लिए अपनी जात बदल दूंगा? मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ। तो भैया कट्ठा जाके बैठो। क्या? हाँ, पंडित लगाने से नौकरी नहीं मिलती बेटा, इसीलिए बोल रहे पंडित हटाओ लाल रखो बस। अच्छा चलो ठीक है, कैसे होगा? अरे भाई बड़ा आसान है पांडे जी। जी पांडे जी, इनका धर्म परिवर्तन कराना है, नियम बता दो प्लीज। वेरी सिंपल, मेरी काम वाली बाई की एक बहुत खूबसूरत लड़की है, उससे आपकी शादी करा देते हैं, हो गए SC ST। नहीं तो ये तो बड़ी गलत बात है ना। क्या गलत है? एक गरीब लड़की का उद्धार करो, लाओ 1 लाख। क्या? ये हम नहीं लेंगे। तो ये तो लड़की का बाप लेगा ना भाई, दहेज समझो। लेकिन दहेज तो लड़के वाले लेते हैं ना। अरे यार, हम तुम्हारे को कन्वर्ट करने का ले रहे हैं। नहीं पर उद्धार तो मैं कर रहा हूँ कि वो लड़की कर रही है? वो लड़की। अरे अभी अभी तो आपने कहा कि मैं उद्धार करूंगा। अरे वो तो मजाक कर रहे हैं। अगर वो लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी तो तुम छोटी जाति के नहीं बन पाओगे ना। यही तो, और पिछड़ी जाति के नहीं बने तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? और नौकरी नहीं मिली तो अब क्या करना है? कुछ नहीं, कल बारात लेके आ जाओ, खाना एकदम टनाटन होना चाहिए। जी ठीक है सर। परसों पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट ले आओ। तो नौकरी कब मिलेगी? परसों सर्टिफिकेट जमा करा दो 5 लाख के साथ, और नर्सों ट्रेनिंग के लिए निकल लो। थैंक यू वेरी मच सर। रिजेक्ट कर देंगे, जानते नहीं हो कि पुलिस वाले मुझे थैंक्स नहीं लेते। सॉरी सर। मैं सब इंस्पेक्टर मुसद्दीलाल शपथ लेता हूं कि मैं अपना कर्म पूरी निष्ठा से निभाऊंगा, अपना जीवन अपने देश की जनता के लिए समर्पित कर दूंगा, कभी भ्रष्टाचार और दुराचार का हिस्सा नहीं बनूंगा, बल्कि उसे अपना हिस्सा बनाऊंगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।